नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सबसे पहले मैं कैलाश जी को, लालू जी को और कमलेश जी, अच्छा सॉरी, इन सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और इतने अच्छे पावन पवित्र समय इन्होंने जो ओपनिंग की है, माता रानी, जय माता दी। तो सबसे पहले हम सब कहेंगे जय माता, जय माता। और हम दिल से चाहेंगे कि इनकी ज्वेलरी बहुत सारी बिके, जिस तरह से माता रानी इतनी सजी वजी रहती है, वैसे हम भी सब सजे। और मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे बड़ी ये एक सौभाग्य की बात होती है, हम किसी की शॉप का या किसी भी प्रोडक्ट का ओपनिंग करते हैं तो थोड़ा सा डर भी रहता है मन में, क्योंकि हमारे हाथ मेरी तरफ से बेस्ट विशेज। और अगर अच्छा कमाना तो थोड़ा सा का भी मेन किया हुआ हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले तो मैं बहुत सारी बधाइयाँ इस पावन उपलक्ष्य में, पावन मौके पे, पावन पर्व के अवसर पर कमलेश जी, कैलाश जी, लालू जी, पालीवाल, तीनों ही शख्सियतों को, तीनों ही सज्जनों को। क्योंकि देखिए, ज्वेलरी मतलब होता है आभूषण, साहित्य की भाषा में बात करें तो आभूषण। और न महिलाएं बल्कि पुरुष भी आभूषण के रूप में उसको, जैसे कान पे ही हो या गले में हो, इस्तेमाल करते हैं। हमारे पत्रकार भी देखिए एक चैन पहने हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अलंकार है, हमारे और आपके जीवन को सजाती है। जैसे ग्राइंडर, पत्रकार, कलाकार, गीतकार, कवि, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जो है सिनेमा में चीजों को, तनिषा जी हम सब लोग के बीच में बैठे हैं, सुबोध जी बैठे हैं, सारे सिनेमा इंडस्ट्री के क्रीम लोग हैं। ये आभूषण अपने अभिनय से, अपने जलवे से, अपने फन से, अपने हुनर से उसको सजा देते हैं और ये समाज को आभूषण दे रहे हैं, समाज को आभूषण दे रहे हैं। और जैसा तनिषा जी ने कहा कि किस तरीके, जो जिस तरीके की क्वालिटी यहाँ पे उपलब्ध है और जिस जगह पे है, और नाम में ही सागर है तो फिर क्या कहा जा सकता है। सागर ज्वेलर्स इस लोकल मार्केट का, यहाँ की पूरी जो लोकेलिटी है उसकी ग्लीडिंग ज्वेलरी शॉप साबित होगी। ऐसे मेरी शुभकामनाएं, दुआएं। और चूंकि आज माँ अम्बे का दिन है तो वो परमपिता परमेश्वर और माता वैष्णो देवी की कृपा से ये इतना शालीन हो, इतना बढ़िया हो, इतना अच्छा हो और पूरा ये कीर्तिमान रचे। और जिस ख्वाब के साथ, क्योंकि कोई भी कारोबार शुरू करता है कोई भी इंसान, तो उसके पीछे कड़ी मेहनत और कई वर्षों की तपस्या छुपी हुई होती है, तो वो साधना सिद्धि का रूप धारण करे। और ये नवरात्रि का दिन है, मुझे पूरा विश्वास है कि परमपिता परमेश्वर हम सबों की शुभकामनाएं और आप तमाम बुद्धिजीवी पत्रकार जो आज यहाँ पे इस मौके पर आए हैं, तनिषा जी के साथ, हमारे साथ, सुबोध जी के साथ, कैलाश जी को, कमलेश जी को और लालू जी को, तीनों ही सज्जनों को मैं अपने दिल से, हृदय से बहुत सारी शुभकामनाएं इनको देता हूँ। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु परमात्मा आप इनके बिजनेस को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरीके से आगे बढ़ाना। अगली बार तनिषा जी जब आएं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आलीशान एक मॉल नुमा जो है बाजार तैयार हो, और उस वक्त भी कमलेश भाई का नाम हो, कैलाश जी का नाम हो और लालू जी का नाम हो, तनिषा जी आएगी हमारे ऐसे मौके पर। बहुत अच्छा मौका है आज, और इतना ज़बरदस्त शोरूम मैंने देखा है यहाँ पर सागर जो खुला है। और आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है सबसे सही और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं इन तीनों भाइयों के लिए, मेरे वेंचर के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं आगे, क्या विजन है, क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, क्या इकोनॉमिकल रहेगा, क्या रहेगा, उसके बारे में बताइए किस तरह से। न्यू तो हमारी ज्वेलरी में गोल्ड प्योरिटी के ऊपर ही मेन है,
जो हॉलमार्क चल रहा है 906 गोल्ड जो कि प्योरिटी का है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करें, लोगों को पता नहीं क्योंकि जो सुंदरता है वो लोगों के उसके बारे में, ज्वेलरी के बारे में जागरूक हो और गोल्ड की जो प्योरिटी है वो उन्हें समझ में आए कि भाई हम जो बेच रहे हैं वो प्योर है कि नहीं है, उसकी क्या क्या रेट है, वो सब लोगों को समझ में आए और ट्रेडिशनल ज्वेलरी और हम और वेराइटी ब्रांडेड जो सब रखने वाले हैं। सड़क व्यापारी संगठन के हमारे मेंबर कमलेश जी ने आज यहाँ पर चारकोप स्थित एरिया में ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन किया है। सागर ज्वेलर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, कमलेश जी को शुभकामनाएं। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।